टीवी का फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कई सालों से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाए हुए है। इस सीरियल के हर किरदार ने घर घर में पॉपुलैरिटी हासिल की। ऐसे में शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों जानते हैं कि जेठालाल यानी दिलीप जोशी कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा सके। जेठालाल यानी एक्टर दिलीप जोशी ने 12 साल की उम्र से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। हालांकि उनकी किस्मत शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से ही चमकी। इस शो ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया। आपको बता दें, दिलीप जोशी ने अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बनाई। दिलीप जोशी ने एक बैकस्टेज आर्टिस्ट के तौर पर 50 रुपए की कमाई के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वहीं अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर दिलीप बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपीस की फीस लेते हैं। वह महीने में 25 दिन ही काम करते हैं। दिलीप जोशी की कुल संपत्ति 45 करोड़ रुपए है। टीवी सीरियल के अलावा वह विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, सोशल मीडिया के जरिए अच्छी कमाई करते हैं। दिलीप जोशी एक्टिंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। वह इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बनाते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। वह साल भर में विज्ञापन और शो से लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। गुजरात के पोरबंदर में जन्मे दिलीप जोशी काफी लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी जयमाला जोशी, बेटा ऋत्विक और बेटी नियति है। मुंबई में उनका आलिशान घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। वहीं उनके पास ऑडी Q7 और इनोवा जैसी लग्जूरियस कार भी है। फिलहाल दोस्तों, आपको दिलीप जोशी से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।